BGS 186 का सेकंड पार्ट करें, यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, एंड विल डिस्कस सेफ एंड अनसेफ टॉपिक्स फॉर स्मॉल टॉक्स. ठीक है, तो स्मॉल टॉक्स को हाईली वैल्यूड कैसे करते हैं. दो इट मे अपीयर टू बी सिंपल, लगता है सिंपल, लेकिन मैनी पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल, बिकॉज जैसे कि बिजनेस कन्वर्जेशन होते हैं कि चाहे हम लोग का छोटा कन्वर्जेशन भी हो, लेकिन उस वक्त हम लोग को सोच के बोलना पड़ेगा. ऐसा नहीं जैसे हम लोग अपने घर वालों को जैसे भी बोल देते वैसे इनको बोल दे, नहीं, बहुत सोच समझ के एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. कुछ है यहाँ पे टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं. स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ आता है, करंट मैचेज और गेम्स, फेवरेट टीम एक्सेट्रा. तो उस टाइम क्या होना चाहिए जब ऐसी बातें हो तो हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए. स्पोर्ट्स के बारे में बातें हो, उसके बारे में हमको नॉलेज हो, उस वक्त हम लोग क्रिकेट या इसके बारे में नहीं बोल सकते. जब हम लोग गेम्स का कुछ और टॉपिक छेड़, जैसे फुटबॉल की बातें चल रही है, तो हम लोग क्रिकेट का बात नहीं कर सकते और उन लोग के साथ ये सब डिस्कस नहीं कर सकते. जब किसी अमेरिकन से बात करें तो हम लोग क्रिकेट का डिस्कशन नहीं कर सकते, बेसबॉल, क्योंकि उनका कंट्री का फेमस गेम बेसबॉल है. तो वही हम लोग को जानना है. एनी मेजर एक्टिविटी आर गोइंग ऑन द मोमेंट, करेंटली क्या चल रहा है उनके देश में, हमारे देश में वो सब करेंट अफेयर्स, क्या रिसेंट इंसिडेंसेस हो रहे हैं, हॉबीज, वेदर, फैमिली पे जनरल क्वेश्चंस पूछो, बहुत घुसो मत. मीडिया में आता है, बुक्स, मैगजीन्स, वेबसाइट, ये सब, तो ये सब एक नटसल है. ठीक है, और ये कुछ चीज़ें जो आप नहीं, मतलब वो कर सकते हो, एक्सक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, आप बातें कर रहे हो, जब बातें भरेंगी तो ये सारी बातें आपको पूछनी है. हाउ मच डू यू मेक, सैलरी कितना देंगे, पॉलिटिक्स में उनका क्या नॉलेज है, क्या फिलोसॉफीज है, मैरिटल स्टेटस, एज, ये सब आप धीरे धीरे जानो. तो इंडियन कल्चर में रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन लोग ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं. इन लोग को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वैल्यूज बहुत होता है, हम लोग इंडियन को, वी इंडियंस ये सब में बहुत एक्सपर्ट होते हैं. तो हम लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, एंड ल्यूक्रेटिव डील्स भी इसी तरह से किया जाता है, वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस दे के. तो उस चीज़ का मतलब स्मॉल टॉक एंड सोशल कन्वर्सेशन बहुत लॉन्ग वे जाता है, और ये बहुत फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करता है फेवरेबल रिलेशनशिप के लिए. इन एडिशन टू दिस, डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेंट एंड अ पर्सनल लेवल, मतलब आपका पार्टनर्स भी इससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, पॉजिटिव ट्रेट मिलता है, उन लोग को ऑनर मिलता है अगर आप लोग ये सब करते हो तो. ठीक है, मोस्ट मीटिंग स्टार्ट विद, बेसिकली मीटिंग्स एक दूसरे को जान पहचान से होती है, लेकिन जब आप लोग मिलते हो तो फर्दर आप लोग का कल्चर्स ये सब के बारे में आपका और डिस्कशंस होता है. ठीक है, तो सो एज एन इंडिया इज़ फेमस फॉर डिफरेंट कल्चर्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, एडवर्टाइजिंग, फिल्म्स एक्सेट्रा. तो आप कई टॉपिक्स ले सकते हो अच्छा सोशल कन्वर्जेशन करने के लिए, और लिंक बैठा सकते हो उसको बिजनेस के लिए, तब आपको सोचेगा वो कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ में. ठीक है, तो इसी तरह से छोटे छोटे तरीके से काफ़ी बिजनेस का स्पॉन्सर इवेंट्स ये सब का डिस्कशन शुरू होता है. रिसेंट मीटिंग ऑफ क्रिकेट टीम बाय बिजनेस टाइकून्स, फिल्म स्टार्स अमाउंटिंग टू क्रोर्स ऑफ रुपीज इज इंडिकेटिव ऑफ द क्लोज लिंक बिटवीन स्पोर्ट्स, फिल्म्स एंड बिजनेस. तो ये कैसे जो क्रिकेटर्स लोग डिस्कस करते हैं वो इन्हीं बेसिस पे करते हैं. ठीक है ना, अब आता है बॉडी लैंग्वेज. तो एक सही बॉडी लैंग्वेज बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है. इन इंडिया द हेड इज़ कंसिडर्ड द सीट ऑफ द सोल. तो हम लोग का यहाँ पे जो सर है, इसलिए बोलते हैं सर को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए गर्व से, क्योंकि वो हम लोग का सोल का सीट माना जाता है, एकदम हम लोग का सर, मतलब आत्मा का प्रेजेंटेशन. किसी को छू के आप मत करो, उसका हेड को छूओ मत, ऐसा किसी जगह को छूओ मत, एक डिस्टेंस मेंटेन करो एंड अपने सर को उसके बराबर रख के बात करो. ठीक है, किसी को पीछे टैप मत करो, इस तरह से उसको पीठ मत दिखाओ, ये सब मत करो, वैगिंग वन फिंगर कैन बी, ऐसे उंगली दिखा के बात मत करो, वो इंसल्ट होगा, वो हम लोग को सबको पता है. स्टैंडिंग विद योर हैंड्स ऑन योर हिप्स विल बी इंटरप्रिटेड एज एन एंग्री एग्रेसिव पॉस्चर. अब आप मिल रहे हो पहली बार तो आप एकदम ऐसे एकदम हिप पे हाथ रखोगे, वो भी सही नहीं दिखेगा. तो राइट पॉस्चर होना चाहिए, जो गलत पॉस्चर है उसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, रेस्लिंग इज इम्पोलाइट एंड विंकिंग, हमेशा जाके उसको रिस्लिंग, हाथ को रिस्लिंग, मतलब सॉरी रेस्लिंग बोल दिया मैंने गलती से, विस्लिंग मतलब सीटी बजाना, उस वक्त क्या पलकों को लगातार झपकाना, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग. किसी किसी कल्चर्स में अलग अलग उसको माना जाता है, हम लोग के कल्चर में अलग, दूसरों में अलग. ठीक है, या फिर उसको सेक्सुअल प्रोपोजिशन में अलग लिया जाता है, मतलब अलग देश में उसको अलग कंसिडर किया जाता है. ठीक है ना, जब आप बैठो तो किसी का फीट पे उसको पॉइंट मत करो, फीट आर कंसिडर्ड अनक्लीन, कभी अपने फीट को गंदा मत रखो, वो सब नहीं होगा. शूज को नीट एंड क्लीन रखो, दूसरे पर्सन को अगर टच हो गया तो उसको माफ़ी मांगो, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है.
तो एज ए इंडियन हम लोग पर्सनल स्पेस को बहुत कम जगह देखते हैं। हम लोग तो लाइक जो मिला रिश्तेदारों के साथ भी घुल मिल जाते हैं वो सब एंड ऑल, लेकिन जब हम लोग किसी फॉर्मल स्पेस में हो तो हम लोग को उसका पर्सनल स्पेस का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसका इंटीमेसी का भी। ठीक है, दिस इज दिस कॉन्ट्रास्ट टू मैनी कंट्रीज वेर एन एल्बो लेंथ और इवन एन आर्म्स लेंथ इज कंसिडर सुइटेबल। तो एक डिस्टेंस में बैठो और डिस्टेंस से मेंटेन करके बैठो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो आप स्पीकर्स को सुनो, हम लोग कैसे बात करते हैं, इवेंट्स के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं, मीटिंग के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं। सीडी को आप किसी स्पीकर का सीडी को सुनो, उन लोग कैसे अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट्स को बयां करते हैं, उससे हम लोग को काफ़ी चीज़ जानने मिल जाएगा जिससे इस कन्वर्सेशन में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इस ऑडियो को देखो, उसको स्पीकर क्या बोलता है उसको सुनो। दिस स्पीकर डिस्प्लेस गुड सोशल एटिकेट बाय बीइंग अटेंटिव। जैसे संदीप महेश्वरी अपना पॉइंट को रखते हैं, वो बहुत एटिकेट वे से करता है और बहुत अच्छा भी लगता है। वो बिलीव करते हैं कि उसका इन्फॉर्मेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा, कन्वर्सेशन भी सही होगा। वो अपना ह्यूमर वाला बात करता है, ऐसा नहीं कि बेतुका कोई बात करते। वो इनिशिएटिव लेके बात करते कि 10 दिलों के बीच में वो बात को रखा जाए, ठीक है, और दूसरों को भी बोलने का बराबर मौका देता है। अब हम देखते हैं लैंग्वेज फोकस पे। जब आप मिलते हो तो आपको कैसा कन्वर्सेशन करना है, ठीक है। लवली वेदर इजंट इट, ऐसे हम लोग बोलेंगे। इट्स टू कोल्ड फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, सामने वाला का ऐसे जवाब आएगा। और कुछ अगर बोलना हो, ट्रेन धीरे चल रही है, ठीक है, द ट्रेन यूजुअली रन लेट दिस सीजन बिकॉज ऑफ द फॉग, मतलब ठंडा मौसम चल रहा है इसलिए ट्रेन आजकल देरी से ही आती है। अटेंडेंस फॉर द इवेंट सीम्स बेटर देन द लास्ट ईयर, इस बार इवेंट काफ़ी सही से अटेंड हुआ, तो इस चीज़ है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हो। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट लिविंग हियर, यहाँ आपको क्या अच्छा लगता है, इस प्लेस में आपने कितनी बार ट्रैवल किया है, कब तक आप आते हो, मेरिट कितनी बार आपका आना होता है, फर्स्ट विजिट कहाँ का था। तो इस टाइप का आप कम्फर्टेबल एक कन्वर्सेशन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन रिवील समथिंग अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में कुछ बता सकते हो, आप यहाँ से हो, आपको ये शोज पसंद है, आपको ये खेलना पसंद है, वो सब, ठीक है। अब इसके बारे में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। वोकैबुलरी में कुछ नहीं है, बस आपको कॉलम्स एंड वर्ड्स एंड फ्रेसेस करने हैं, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसको बस आपको लिख देना है, इसमें आपको जस्ट वर्ड्स करना है। स्टार्ट में आपको नेम्स के बारे में करना है, ध्यान रखना है सोशल फंक्शंस को कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है, रिमेंबर करना है कॉन्वर्जेशन को, यूज़ करना है एक्टिव लिसनर की तरह, आपको बातों को सही तरह से यूज़ करना है, सही पहले सुनना है। जो नहीं करना है वो बिजनेस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप नहीं लेके आना है, पॉइंट पर नहीं आना है, वही चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको सुइटेबल वर्ड से गैप को फिल करना है, इसमें स्मॉल टॉक का जो हमने अभी डिस्कस किया वही आपको ये सबसे करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज राइटिंग, जो कि खुद इससे लिंक है, तो उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बाकी आपका सारा टास्क है। इमेजिन दैट यू आर बी एन ए इज हैविंग कन्वर्जेशन विथ यू, कोई भी बिजनेस एसोसिएट आपसे कन्वर्जेशन कर रहा है। कंप्लीट द डायलॉग विथ सुइटेबल क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू, तो वो बोलेगा, ठीक है। सो व्हेन डिड यू अराइव, या फिर उसका जवाब वो दे देगा, या हाउ डू यू डू, उस तरह से। इट्स गुड टू सी आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, येस इट्स गुड टू सी यू टू, सो डिड यू हैव अ कम्फर्टेबल जर्नी, येस आई हैड, एंड हाउ अबाउट यू, उस तरह से आपको कुछ करना है, ठीक है। आप कहीं गए थे, आई लास्ट विजिटेड दिस प्लेस 6 मंथ एगो, आपको क्रिकेट, आपने क्रिकेट सीरीज फॉलो की है, अगर येस तो हाँ, नहीं तो ना, ठीक है, इस टाइप का आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर नेगेटिव्स, तो कहाँ आपको नॉट यूज़ करना है, डज नॉट यूज़ करना है, हम लोग को पता होता है, आरेंट का आर का शॉर्ट फॉर्म आरेंट होता है, तो वी नो वो कहाँ होता है। इफ़ देर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब, वी यूज़ डू एग्जाम्पल, दे नो वट टू टॉक अबाउट, दे डोंट नो वट टू टॉक अबाउट, उनको पता है क्या बात करना है, उनको नहीं पता क्या बात करना है, या फिर अगर सिंगल यूज़ करे तो ही, मतलब सेकेंड पर्सन यूज़ करे तो ही और सी डजेंट नो वट टू टॉक अबाउट, ठीक है। दूसरा जो नेगोशिएशन होता है वो एफिक्सल होता है, ही हेयर वी एड अ प्रेफिक्स ऑन एफिक्स टू अ वर्ड विच मेक्स द सेंटेंस नेगेटिव, हम लोग प्रेफिक्स या एफिक्स को यूज़ करते हैं इसमें। पॉजिटिव में होता है योर कन्वर्जेशन विल देन बी मोर मीनिंग, और नेगेटिव में क्या होता है कि वो मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग को इसमें नेगेटिव करना है, विनय ओपन द डोर, विनय डिडंट ओपन द डोर,
See, Vinay didn't open the door. You should reply to her email. You shouldn't reply to her email. यहाँ पे मैंने didn't use नहीं किया, should की जगह shouldn't. She is writing a novel these days. She isn't writing a novel these days. ठीक है, ये steps आपको करने हैं. So yeah, we have completed this unit totally. I hope you like it. Next we'll discuss unit 3 very soon. Okay, please like, share and subscribe our videos.